मेरी फैमिली में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे अंकल एंड आंट हैं। वाओ, टाइम पर आप हमारे लिटिल एंकर देखेंगे जो सबसे जूनियर एंकर हमारे इन्फो बग पर होगा। मैं तो तेरे पीछे हो लिया। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमर चौहान और आप देख रहे हैं इन्फो बग, जम्मू कश्मीर का पहला फीमेल पहला इंफोटेनमेंट चैनल। मुझे ना बच्चे बहुत पसंद है। एक तो मन के बहुत साफ होते हैं और दूसरा उनकी जो बातें हैं ना बहुत ही ज्यादा मजा आता है। मेरे साथ साथ मुझे लगता है आपको भी बच्चे बहुत पसंद होंगे। और बच्चों की सबसे खास बात क्या है कि आजकल के बच्चों की खास बात क्या है, इनमें टैलेंट जो है ना कूट कूट के भरा हुआ है। चाहे वो अगर आप इनसे स्टोरी सुन लीजिए, आप इनसे बातें सुन लीजिए, इनसे गाना सुन लीजिए, डांस करवा लीजिए, तो बच्चे बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। और एक ऐसी ही टैलेंटेड बच्ची आज हमारे साथ इन्फो बग पर मौजूद है, जो कि 1.5 साल की जब थी, मतलब जिस उम्र में बच्चों को ठीक से बोलना भी नहीं आता, उस उम्र में ये बच्ची डांस करती थी। और जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसके साथ साथ इसका जो डांस का वो जो पैशन था या फिर डांस का वो जो कीड़ा था वो अंदर, उनके आरवी है इनका नाम, और आरवी के साथ साथ वो कीड़ा भी धीरे धीरे बड़ा होता गया। सो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं लिटिल प्रिंसेस आरवी गुप्ता। हाय आरवी। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। और घर पे सारे ठीक है? हाँ, मेरे घर पे भी सारे ठीक है। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे अंकल एंड आंट हैं। वाओ, इजंट शी क्यूट। सो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? आई एम इन 3rd क्लास। 3? एंड विच स्कूल? दिल्ली पब्लिक स्कूल। मार पड़ेगी, नाम भूल गई थी अपने स्कूल का। डांट पड़ती है स्कूल में? नो। आरवी के बारे में मैं बता दूं, हमारे समर कैंप में अभी हाल ही में हमने जून में समर कैंप करवाया था, वहां भी आरवी हमारे साथ थी। और शी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज की बात हो, शी इज सच अ ब्लेस्ड चाइल्ड। सो आरवी, टेल अस अबाउट योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज है ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग एंड वॉचिंग टीवी। Oh, great. तो टीवी में क्या देखना पसंद है? I like to watch some activities. Like dancing. Okay. I love to dance so that I see on the television. Okay. तो मुझे ड्राइंग भी पसंद है, तो मैं वो भी देखती हूँ। एंड मैं सिंगिंग शोज देखती हूँ, कार्टून देखती हूँ, शोज देखती हूँ, और भी बहुत कुछ मैं देखती हूँ। और मोबाइल कितना चलाते हो दिन में? सच्ची सच्ची बताना। मोबाइल मुझे नहीं मिलता है। ओके। बिकॉज ऑफ माय आईज, मम्मा मेरा बहुत केयर करती हैं, तो मुझे नहीं मिलता है। सो स्वीट, सो जैसे आपने बताया मम्मा बहुत केयर करती हैं आपकी, तो सबकी मम्मा बहुत केयर करती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं। पहले तो मैं बता दूं, ये इंटरव्यू बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं है कि आपको लगे कि मैंने आरवी से सवाल डिस्कस किए, ये रैंडम हमारा सेशन हो रहा है। और मेरा आरवी के साथ ये जरूर डिस्कशन हुआ था कि मैं आरवी की क्लासमेट हूँ या फिर आरवी मेरे साथ काम करती है, दोनों में से एक डील फाइनल हुई थी। कौन सी वाली फाइनल हुई थी? मैं आपके साथ काम करती हूँ। सो ये इन्फोबग का पार्ट है, और आने वाले आज ऑन कैमरा मैं बता दूं, टाइम पर आप हमारे लिटिल एंकर देखेंगे जो सबसे जूनियर एंकर हमारे इन्फो बग पर होगा। सो पहले तो मुझे आप ये बताइए कि जैसे आपने सिंगिंग का बताया और भी आपकी एक्टिविटीज आपको पसंद है, गाना गाते हो आप? हाँ, मैं गाती हूँ। कुछ सुनाओगे? ओके। ऑडियंस भाग तो नहीं जाएगी? हाँ। भाग जाएगी? नहीं, पक्का? चलो फिर आज आरवी हमें कुछ सुनाने वाली है, सो क्या सुनाओगे? एक सॉन्ग गाने वाली मैं। So can I start? Of course. देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत की है चांदी 100%, बिल्लो मेरे दिल का सोना भी करा, तेरी चांद बालियां या होठों पे ये गालियां, तेरी चांद बालियां या होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया है। वाओ, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, ओ ओ ओ ओ, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, ओ ओ ओ ओ, मैं तो तेरे पीछे।
सो ये सुर में भी है, ये ताल में भी है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। आगे आपको याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे, मुझसे आप कहाँ मिले थे पहली बार? मैं आपको आई थिंक स्कूल में मिली थी। कौन से स्कूल में? I didn't remember it. Okay, that was Luthra Academy. और क्यों मिले थे हम? हम ऑडिशन के लिए मिले थे, डांसिंग के लिए। और उस वक्त आपकी एज क्या थी? Do you remember? I think 3 years. Just imagine, she was just 3 years old at that time. और मैंने वो ऑडिशन जो था वो जज किया था और वहाँ ये फाइनल्स थी। आरबी की परफॉर्मेंस, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आपको भी बड़ा मजा आया होगा। आपको मजा आया? बहुत ज्यादा। तो वो जो एनर्जी लेवल इतना कहाँ से लाते हो, क्या खाते हो ब्रेकफास्ट में? मैं ब्रेकफास्ट में तो चपाती ही खाती हूँ। तो मैं सुबह स्कूल में चाय पी के जाती हूँ और वहाँ मुझे चपाती मिलता है, ब्रेड मिलता है एंड मच मोर। तो जैसे बहुत सारे बच्चे ना बाहर का खाना पसंद करते हैं, आप भी ऐसे बच्चे हो या घर का खाना खाते हो? मैं घर का खाना भी खाती हूँ, बाहर का फूड भी खाती हूँ। बाहर के फूड में क्या पसंद है? पास्ता। वाओ, मेरा भी फेवरेट है। और बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक। हाँ, 5-6 आइटम्स तो बोल ही दिए। वैसे तो घर का ही खाना खाती है, बाहर का नहीं खाती है। सो मुझे बताओ अपने बारे में और इंटरेस्टिंग बातें, फ्री टाइम पे क्या करते हो आप? मैं फ्री टाइम में अभी मैंने कल, अगर मैं फ्री थी तो मैंने कलरिंग की थी। आई हैव मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। सो उसमें था अ ब्लैक सनसेट। वाओ, मुझे बताओ घर में ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, पापा या मम्मा? दोनों करते हैं। ज्यादा ज्यादा ज्यादा, प्लीज प्लीज ज्यादा। मेरी मम्मा और मेरे पापा। ले, ये तो बराबर ही हुआ। ओके, 50-50। हाँ, सो ठीक है, फैमिली का सपोर्ट है। अब बताओ बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं एक एक्टर बनना चाहती हूँ, मैं अपना खुद का स्टूडियो खोलना चाहती हूँ और डांस सिखाना चाहती हूँ। माय गॉड, तो मतलब जितने बच्चे अभी आप देख रहे हैं, आप अपने बड़े होने तक आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी करवा लें, क्योंकि बाद में आरवी जो है ये एक्ट्रेस बन जाएगी, फिर ये सबको भूल जाएगी। हमें भी भूल जाओगे? नो। पक्का? Promise? पक्का वाला प्रॉमिस। सो थैंक यू सो मच आरवी, आज आप यहाँ पर आए और बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, इसके साथ बहुत सारी बातें हमने की। कुछ कहना चाहोगे अपने फ्रेंड्स को अदर देन दिस, जैसे आपने टैलेंट के लिए कहा, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बच्चों को बताओ कि घर का खाना, जैसे आपने खुद कहा कि आप घर का खाना भी खाते हो, बाहर का भी खाते हो, कितना इम्पोर्टेंट है घर का खाना, थोड़ा सा लोगों को बता दो, फ्रेंड्स को। ओके, घर का खाना हमें एनर्जी देता है, लाइक हमने बहुत कुछ खाया घर का। हम जो बाहर जाते हैं, आपको जो पसंद है जो खाना आप वो खाते हो, तो उसमें कैलोरीज होती हैं, तो उसको आपने थोड़ा खाना है। एंड जो हमारे घर का फूड बना होता है उसमें एनर्जी होती है, हेल्दी होता है वो हमारे लिए, वो आपको खाना चाहिए। और जो आपको फास्ट फूड पसंद है वो भी आपको खाना चाहिए, लेकिन वो कम लिमिट पे खाना चाहिए। वाओ, सो स्वीट। सो आरवी के साथ गपशप तो हमारी चलती रहेगी, और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा ना, आप इसे प्लीज लाइक और शेयर कर देना। आरवी, एक लास्ट बात मुझे आपसे करनी है, कोई डायलॉग आप सुनाओगे, क्योंकि आप एक्ट्रेस बनना चाहते हो, फेवरेट एक्टर कौन है आपके? माधुरी दीक्षित। वाओ, मतलब बंदी बन गई एक्ट्रेस, जो चॉइस है ना छोटी सी बच्ची की, तो आप मेरी नजरों में आप आज से ही एक्ट्रेस हो। सो कोई डायलॉग, कोई आपको कुछ आपका फेवरेट कुछ बताओगे आप? ओके, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। रमेश बाबू गुस्सा मान जाएंगे, उनका नाम नहीं लिया आपने। टेक टू। ओके, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। आगे हर सुहागन की पता नहीं क्या सर का ताज होता है, ऐसा कुछ था। सो गिव मी हाई फाइव। सो थैंक यू सो मच आरवी, आप यहाँ पर आए और मुझे बहुत मजा आया आपके साथ गपशप मारकर। आपको मजा आया है? मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। मुझे तो बहुत मजा आया। और आपके बच्चे में भी अगर कोई टैलेंट है, और मुझे पता है कि हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, अगर आपको लगता है कि सही प्लेटफॉर्म आप अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं आपको बता दूं, आप आरवी को एज अ किड एंकर हमारे चैनल पर देखने वाले हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इन्फोबग।